मन की बात में पीएम मोदी का संबोधन आज, इस बार एक हफ्ते पहले होगा प्रसारण। अगले हफ्ते अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में सीएम गहलोत का बड़ा बयान, हॉर्स ट्रेडिंग से गिराई जा रही सरकारें, किसी भी कीमत पर विधायकों को दरबदल नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में वीसी के जरिए सीएम गहलोत का संबोधन, पीएम को लिखे पत्र का किया जिक्र, राइट टू सोशल सिक्योरिटी को देश में लागू करने की करी मांग। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में सीएम गहलोत ने भारत के लोकतंत्र को बताया मजबूत, का मजबूत लोकतंत्र के कारण पूरे विश्व में होता है भारत का सम्मान। सीकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान, का सचिन पायलट नहीं बनाएंगे कोई नई पार्टी, हम सब एक साथ होकर लड़ेंगे चुनाव, सरकार डिलीट नहीं बल्कि होगी रिपीट। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे दिल्ली सीएम केजरीवाल, श्रीगंगानगर में निकालेंगे रैली, आगामी चुनावों को देखते हुए सीएम का दौरा। चूरू के चौमा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वाहन चोर को किया गिरफ्तार, चोर के पास से बाइक की बरामद, पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। राजसमंद में राजनगर पुलिस की कार्रवाई, शातिर चोर को किया गिरफ्तार, कॉपर वायर और बोरिंग चोरी की वारदातें कबूली, चोरी में एक आरोपी की पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी। चौक की निवाई पुलिस को बड़ी सफलता मिली, मकान में से चोरी के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार, मकान से सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी करने का मामला, पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। चाकसू थाना पुलिस की कार्रवाई, अवैध हथियार के साथ एक बदमाश गिरफ्तार, आरोपी से देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद, पुलिस ने ऑपरेशन नाग के तहत की कार्रवाई। धौलपुर में ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार शिक्षक की मौके पर हुई मौत, पुलिस कर रही है ट्रेलर और चालक की तलाश। जयपुर पुलिस की कार्रवाई, जमीनी धोखाधड़ी मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। सुजानगढ़ के भिर और बुहाना में पुलिस की कार्रवाई, दहशत फैलाने वाले चार आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। जयपुर के रेनवाल में नाबालिग से सामूहिक बलात्कार का मामला, पुलिस ने तीन आरोपी और किए गिरफ्तार, पुलिस आरोपी पहले हो चुका है अरेस्ट, सीसीटीवी और कॉल डिटेल के आधार पर हुई गिरफ्तारी। धौलपुर में गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मामला, एससीएसटी कोर्ट ने पांच आरोपी को माना दोषी, 7-7 वर्ष की सुनाई सजा, 50,000 का जुर्माना भी लगाया। भीलवाड़ा के गंगापुर में अनियंत्रित ट्रेलर ने कार को लिया चपेट में, ट्रेलर के हुए दो टुकड़े, कैबिन और इंजन हुआ अलग, राहगीरों ने ट्रेलर चालक और खलासी को निकाला बाहर, जांच जारी। अलवर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मालपुर और नसवारी गांव के बीच 2000 लीटर वॉश को किया नष्ट, पांच शराब की भट्टी में से 2000 लीटर वॉश को किया नष्ट। अलवर में 60 फुट रोड के योगनगर में बिजली के खंभे में लगी भीषण आग, खंभे से टूटकर नीचे जमीन पर गिरा बिजली का वायर, मौके पर पहुंची बिजली विभाग की टीम कर रही है आग लगाने के कारणों की जांच। टोंक में खदान ढहने से दो मजदूरों की मौत, खनन में लापरवाही के आरोप पर लगाया परिजनों ने किया हंगामा, 15-15 लाख मुआवजे के आश्वासन के बाद शांत हुए परिजन। धौलपुर में बिजली पोल में दौड़ा करंट, चपेट में आए युवक की हुई मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। अजमेर की रामगंज चौकी से चंद कदमों की दूरी पर वारदात, सोने की बाली और मोबाइल छीने भागे बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, पुलिस कर रही है फरार चोरों की तलाश। झुंझुनू में खेतड़ी के खरखड़ा में मजदूर के शव को लेकर हंगामा, तालाब में मिला था युवक का शव, शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने पर अड़े परिजन, ठेकेदार और दो लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। अजमेर में कहासुनी को लेकर कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या, पुलिस ने बेटे को किया गिरफ्तार, पिता पर लोहे के पाइप से किए ताबड़तोड़वार, शराब पीने के दौरान हुई दोनों की कहासुनी। उदयपुर के लसाड़िया में बिपरजॉय तूफान और लगातार बारिश से बढ़ रहा केलूपोष मकान, कच्चे मकान से परिजन सहित बकरियों को सुरक्षित निकाला बाहर। मौसम का बदला मिजाज, कोटपुतली में बदला मिजाज, बारिश का दौर शुरू, लोगों को मिली गर्मी से राहत। बूंदी के एमबीएस अस्पताल में एक बार फिर देखने को मिला अंधविश्वास का खेल, बच्चे की आत्मा लेने अस्पताल पहुंचे परिजन, अस्पताल में डिलीवरी के दौरान हुई थी नवजात की मौत। जयपुर में एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में झड़प, राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों ने मचाया उपद्रव, एनएसयूआई के राहुल मेहला की गाड़ियों में तोड़फोड़, चार घायल। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह अजमेर दौरे पर, पुष्कर के कडेर गांव पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत, प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। बीकानेर के श्रीडूंगरपुर में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, 19 जून को लोकसभा क्षेत्र बीकानेर की जनसभा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अभिनंदन समारोह की तैयारी को लेकर हुई चर्चा।
बहरोड में दो होटल संचालकों पर हुआ खूनी संघर्ष, झगड़े में जमकर चले लाठी सरी, तीन लोग घायल। आपसी कासुंदी को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। भासोड़ा स्थित श्री सांवलिया जी मंदिर के प्राकट्य स्थल में दान राशि चुराते हुए पकड़ा गया कर्मचारी। मंदिर के प्राकट्य स्थल में दान राशि चुराते कर्मचारी का एक भक्त ने बनाया वीडियो, मामला दर्ज। अलवर के शिवाजी पार्क थाने में देवर से मारपीट का मामला आया सामने, भाभी ने बेलन से किया हमला, घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भीलवाड़ा में शहादत की प्रतीक मांडल की 32 स्तंभों की छतरी का हुआ जीर्णोद्धार, लगभग 50 लाख की लागत से हुए विकास कार्यों में मांडल छतरी का हुआ कायाकल्प। डूंगरपुर में चिखली में पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता, दो अलग अलग जगह नाकाबंदी के दौरान 3 लाख के अवैध शराब जब्त, अभियुक्त गिरफ्तार। भीलवाड़ा के बनेड़ा में कंटेनर और पिकअप में जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। अलवर में आबकारी पुलिस की कार्रवाई, ब्रांडेड शराब की बोतलों में पानी मिलाकर बेचने और रात 8 बजे बाद ब्लैक में शराब बेचने के आरोप में 3 जनों को किया गिरफ्तार। राहुल गांधी के जन्मदिन 19 जून को एनएसयूआई करेगा मैराथन दौड़ का आयोजन, जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में शुरू होगी मैराथन, मैराथन के पोस्टर का मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास व पुष्पेंद्र भारद्वाज ने किया विमोचन। भीलवाड़ा के जहाजपुर में नेशनल हाईवे 148 पर एनएच अथॉरिटी की कार्यवाही में अतिक्रमणों का हड़कंप, एनएच 148 डी किनारे से हटाया अतिक्रमण। डूंगरपुर में पॉक्सो कोर्ट का फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई सजा, दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 1,80,000 का जुर्माना भी लगाया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में पिपौर जॉय के चलते ग्राम पंचायत रिवाड़ी संग्राम की ढाणी में गिरा कच्चा मकान, कुर्बान खान का कच्चा मकान गिरने से 7 बकरियों की मौत, घर का सारा सामान मलबे में दबा। श्रीमाधोपुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर हुआ शुरू। अजमेर में डंपर के आगे कूदा अधेड़, डंपर के आगे कूदकर अधेड़ ने दी जान, क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने शव परिजन को सौंपा, कारणों का खुलासा नहीं। बीकानेर के नोखा में तेज हवाओं के साथ बरसात का दौर जारी, तूफान को लेकर नोखा प्रशासन मुस्तैद, शहर में बिजली सप्लाई बंद, आमजन से घर में ही रहने की अपील। बिपरजॉय तूफान से माउंट आबू में भारी बारिश, कई पेड़ गिरे, बिजली के पोल भी टूटे, सर्वाधिक 210 मिलीमीटर बारिश की गई दर्ज, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। कोटा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जलदाय विभाग ने एसी के 8,10,000 रुपए की बरामद, ठेकेदार से कमीशन लेने का आरोप। भरतपुर में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक उतरा नीचे, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की समझाइश के बाद उतरा युवक, अनुकंपा नौकरी के संबंध में दिया कार्रवाई का आश्वासन। ब्यावर में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकारी चढ़ा वन विभाग के हत्थे, कोर्ट ने आरोपी युवक को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। नवगठित ब्यावर जिले के विशेष अधिकारी रोहिताश सिंह तोमर ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय का किया निरीक्षण, इस दौरान उन्होंने अस्पताल के रोगी पंजीयन काउंटर, सीएम निःशुल्क दवा वितरण काउंटर सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोटपुतली के बांसुर नगर पालिका बगीचे में दिन भर लगता रहा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा, वहीं पार्कों में घूमने आने वाली महिलाओं को करना पड़ा परेशानी का सामना। खेड़ली उप तहसील कार्यालय का बजट के अभाव में अटका निर्माण, बंद पड़े राजकीय विद्यालय में चल रहे उप तहसील सहित 4 कार्यालय, वहीं शिक्षा विभाग ने जारी किए भवन खाली करने के आदेश। जोधपुर में बासनी में करंट से हुई युवक की मौत, रेलवे क्वार्टर के पास खुले तारों के कारण हुआ हादसा, पुलिस ने शव मॉर्चरी में रखवाया। चाकसू में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत, कोट खाबदा में गरुड़वासी कवरपुरा गांव के पास की घटना। सरदारशहर पुलिस की कार्रवाई, पिस्तौल दिखाकर 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में किया खुलासा, आरोपी युवक के वो नागौर में किया गया गिरफ्तार। नवगठित शाहपुरा जिले के विशेष अधिकारी डॉक्टर मंजू ने शनिवार को जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण, मरीजों से बात कर मिलने वाली सुविधाओं की ली जानकारी। सरदार शहर में घर में घुसकर चोरी करने का मामला आया सामने, अज्ञात चोर ने घर में रखे गहने व नकदी पर हाथ साफ किया, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रेनवाल में क्रेन से सिर में चोट लगने से मजदूर की मौत, पुराने पंचायत भवन की पट्टियां उतारते समय हुआ हादसा, रेनवाल के भैंसलाना गांव का मामला। सरदार शहर के रामनगर बास के लोगों ने मोहल्ले में चल रही आरा मशीन को बंद करने की मांग की, नगर पालिका अध्यक्ष आरकरण चौधरी को सौंपा ज्ञापन। टोडा भीम में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश, गर्मी से मिली राहत।
सच बेधड़क की खबर का असर। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल की लापरवाही का मामला, पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन। जिला कलेक्टर ने गठित की 5 डॉक्टरों की टीम। बानसूर में समर योगा शिविर का हुआ समापन। योगा ट्रेनर नीलम जैन ने लोगों को योग करने की अपील की। इस मौके पर सुमन सावित्री सहित महिलाएं रही मौजूद। भरतपुर में सामाजिक बुराई और अपराध की रोकथाम के लिए ग्रामीणों की पहल। 5 गांवों की पंचायत आयोजित। साइबर ठगी गोकशी जैसे अपराधों पर रोक लगाने का लिया निर्णय। घर घर जाकर करेंगे लोगों से अपील। झुंझुनू के युवा समाज सेवी डॉक्टर मधुसूदन मालानी ने पेश की मिसाल। लूट गाड़े पर बैठकर पहुंचे बाड़ौदा गांव। कहा गांव की संस्कृति आज भी जीवन में भर देती है आनंद। भीलवाड़ा में सटोरियों पर पुलिस की कार्रवाई। 29 सटोरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3,76,000 रुपए की राशि की बरामद। सटोरियों की गाड़ियां भी पुलिस ने की जब्त। जैसलमेर में गोपीराम आत्महत्या मामला। विभिन्न मांगों को लेकर 4 दिन बाद धरना हुआ समाप्त। परिजनों की मांगों पर बनी सहमति। दौसा में ग्रीष्मकालीन अभिरुचि और कौशल विकास शिविर का समापन। ग्रीष्मकालीन अभिरुचि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रतिभाओं को किया गया पुरस्कार से सम्मानित। समापन समारोह में हुआ रंगारंग कार्यक्रम। हनुमानगढ़ जंक्शन का धान मंडी में चोरों का आतंक। 6 से ज्यादा दुकानों के टूटे ताले। दुकानों से लाखों रुपए की नकदी पार। सीसीटीवी में के आधार पर पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। अजमेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। धौलपुर में एसीबी की कार्रवाई। तसीमो पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ में जुटी टीम। कोटा में पिपरजा तूफान को लेकर अलर्ट। जिला प्रशासन मुस्तैद। कर्मचारियों की छुट्टियां 3 दिन के लिए रद्द। एमबीएस अस्पताल में व्यवस्थाओं का किया गया दुरुस्त। बारा में प्रशासन के चारगाह भूमि से हटाया अतिक्रमण। चारगाह की 719 बीघा भूमि को कराया अतिक्रमण। में भूमाफियाओं ने चारगाह भूमि पर रखा था कब्जा। भूमि को अजोंडा पंचायत से को किया सुपुर्द। जाने माने कथावाचक बाल व्यास श्रीकांत शर्मा पहुंचे चिड़ावा। पत्रकारों से बातचीत में दिया बड़ा बयान। कहा कई ग्रंथ ऐसे जो हमारे धर्म को उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं, इसलिए गीता प्रेस के ग्रंथों को ही हर युवा को पढ़ना जरूरी। सीकर में कैंपर गाड़ी में 2 बाइकों की ने मारी टक्कर। 1 युवक की मौत। 4 गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। ट्रॉमा सेंटर में लोगों का इलाज जारी। राजसमंद में अड़ेरी के जंगलों में मिला युवक का शव। मृतक के चेहरे पर मिले चोट के निशान। भीमगांव का बताया जा रहा है मृतक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलवर में बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस का एक्शन। शहर में लगाए 5 फेस रिकॉग्निशन कैमरे। कैमरे में दर्ज आरोपियों का पूरा डेटा। जगह जगह बनाए गए पुलिस कंट्रोल रूम। झुंझुनू में 73वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आगाज। 3 दिनों तक चलेगी प्रतियोगिता। 40 टीमों ने लिया भाग। पहले मैच में लड़कियों ने मारी बाजी। जैसलमेर में राजीव गांधी जल संचय योजना की बैठक। बैठक में नदारद रहे अधिकारी। 11 करोड़ के प्रस्ताव पर होने की चर्चा। आला अधिकारियों ने बैठक में नहीं दिखाई दिलचस्पी। गैर मौजूदगी पर सदस्यों ने जताई नाराजगी। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम। अस्पताल की एकमात्र लिफ्ट पड़ी है बंद। मरीजों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। अस्पताल प्रशासन ने जल्द लिफ्ट ठीक कराने का दिया आश्वासन। नई संसद बनने वाले इंजीनियर का सम्मान। जोधपुर में एमबीएम इंजीनियर कॉलेज में किया गया सम्मान। इंजीनियर पीएस चौहान का किया गया सम्मान। करौली में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। मामचारी पुलिस ने गंगापुर मोड़ से किया गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर पिंकू उर्फ करण को किया लिया हिरासत में। आरोपी से पूछताछ जारी। प्रतापगढ़ में विद्युत ठेका कर्मचारी संघ की ओर से विधायक रामलाल मीणा को सौंपा गया ज्ञापन। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर विद्युत निगम में चल रही ठेका प्रथा को समाप्त कर संविदा से लेने की मांग। जोधपुर में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। देर रात जमकर बरसे बादल। सुबह फिर से निकली धूप। मौसम हुआ सुहाना। प्रतापगढ़ में पिपरजा तूफान का असर। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश का दौर जारी। लोगों से घरों में रहने की अपील। कलेक्टर ने जिले के सभी कार्यक्रम किए स्थगित। सिरोही में दिखा पिपरजॉय का असर। कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश का दौर जारी। पेड़ गिरने और पोल टूटने का हुआ से हुआ नुकसान। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें अलर्ट मोड पर। बीकानेर में दिखा पिपरजॉय तूफान का असर। जिले में शुरू हुई बूंदाबांदी। ठंडी हवा चलने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। पिपरजॉय चक्रवात ने जालौर में मचाया कहर। देर रात तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। क्षेत्र में दर्जनों विद्युत पोल हुए क्षतिग्रस्त। निचले इलाकों में भरा पानी। गौशाला पथमेड़ा में 50,000 गायों के चारों को लेकर संकट उत्पन्न। जयपुर के निर्माल में मवेशियों की चोरी का मामला आया सामने। 2 बकरियों को चुरा कर ले गए चोर। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश।
कोटा में नगर विकास न्यास के अतिक्रमण दस्ते की कार्रवाई। बकरा मंडी में के पास श्रीनाथपुरम और यूनिवर्सिटी के सामने हटाए अवैध अतिक्रमण, पुलिस कर रही है मामले की देखरेख। पाली के सुमेरपुर में बिपरजॉय ने दी दस्तक, रात भर हुई भारी बारिश, प्रशासन ने की लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील। केकड़ी में चोरों ने मचाया आतंक, दुकान के ताले तोड़कर 50,000 की नकदी और चांदी के सिक्के लेकर हुए फरार, सीसीटीवी की मदद से पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। नागौर के मेड़ता सिटी की कृषि उपज मंडी में आज रहा अवकाश, व्यापार और उद्योग संघ की ओर से तूफान की आशंका को चलते लिया गया निर्णय। झालावाड़ के सारोला और शिवनगर ढाणी में पीलिया का कहर, 22 से ज्यादा बच्चे आए चपेट में, चिकित्सा विभाग करवा रहा है मरीजों का सर्वे, सीएमएचओ ने गांव का दौरा कर जाने हालात। उदयपुर के इमली चौराहे पर चलती कार में लगी आग, कार चालक ने कूदकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट के कारण कार में लगी आग, दमकल ने आग पर पाया काबू। झालावाड़ के खानपुर में कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग, आग से लाखों का माल जलकर खाक, पुलिस कर रही आग लगने के कारणों की जांच। दौसा में शव को मॉर्चरी में शिफ्ट करवाने का मामला, 3 घंटे तक इमरजेंसी के आगे हंगामा, पीएमओ के आदेश के बाद मॉर्चरी में किया गया शिफ्ट, परिजनों का आरोपी, मौत के बाद प्राइवेट। बसीन में चीता घूमने के वायरल वीडियो ने फैलाई सनसनी, वीडियो वायरल होने से ग्रामीणों में बनी दहशत, वन विभाग के अधिकारियों ने वायरल वीडियो को बताया फर्जी, लोगों से कहा वीडियो पर ध्यान न दें। चाकसू में सड़क किनारे खाई में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की मौत, ट्रैक्टर चालक को नींद की झपकी आने से हुआ यह हादसा। पाली के सुमेरपुर में लाइनमैन के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश, डिस्कॉम कार्यालय के गेट पर जड़ा ताला, लाइनमैन पर अभद्रता का लगाया आरोप, मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन की दी चेतावनी। बीकानेर में आपसी रंजिश में 2 गुटों में फायरिंग, घटना में 4 लोग गंभीर घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झुंझुनू में ट्रक ड्राइवर का अपहरण कर मारपीट का मामला, हरियाणा के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ। अलवर में पिता और बेटे ने मिलकर दूसरे भाई की लाठियों से की पिटाई, दूसरे भाई का फूटा सर, अस्पताल में चल रहा है भाई का इलाज। धौलपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, स्थानीय लोगों में मची अफरा तफरी, खेत पर पशुओं का चारा लेने जा रहा था युवक। चिड़ावा में किराने की दुकान में लगी आग, आग से दुकान का सामान जलकर हुआ राख, नगर पालिकाओं की दमकल ने आग पर पाया काबू, आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह हुआ आयोजित, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम में की शिरकत, 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं को दिए पुरस्कार। आदि पुरुष बिल पर सीएम बघेल ने दी प्रतिक्रिया, भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, हमारी आस्था से खिलवाड़, आराध्य का मजाक हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस से ऑफर मिला था, मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस नहीं जाऊंगा। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल से की मुलाकात, 85 सचिवों की नियुक्ति रोकने सहित कई मसलों पर हुई चर्चा। मोदी सरनेम केस में रांची की सिविल कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी, अब 15 दिनों के बाद फिर मामले की होगी सुनवाई। तमिलनाडु के पूर्व विशेष डीजीपी महिला आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, वहीं आरोप के बाद दास को किया गया था निलंबित। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद अब भाई पर शिकंजा, ईडी ने कैश फॉर जॉब घोटाले में जारी किया समन। अफ्रीकी देश युगांडा के स्कूल में आईसीएस आतंकियों का हमला, ताबड़तोड़ फायरिंग में 25 लोगों की मौत। बंगाल पंचायत चुनाव नामांकन के आखिरी दिन 24 परगना में बम मिलने से इलाके में दहशत, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। ओडिशा रेल हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर हुई 290, बिहार के लड़के के इलाज के दौरान हुई मौत, 81 शवों की अब तक नहीं हुई शिनाख्त, 1200 ट्रेन हादसे से जुड़ी खबर दी है। 26 जून को कर्नाटक को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की मिलेगी सौगात, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, बेंगलुरु और हुबली धारावाड़ के बीच होगा संचालन। मणिपुर में फिर हिंसा, इंफाल के बीजेपी नेताओं के घरों को जलाने की कोशिश, सुरक्षा बलों और भीड़ ने झड़प, किससे 2 घायल, कल भीड़ ने फूका केंद्रीय मंत्री का आवास। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दक्षिण 24 परगना में हिंसा प्रभावित भांगर का किया दौरा, पीड़ित लोगों से जाने हालात,
भारी पुलिस जाब्ता भी रहा तैनात। कानपुर में इनकम टैक्स टीम ने किया नेक्सस का पर्दाफाश, कबाड़ और रिक्शे वालों के नाम पर जीएसटी में धांधली का खेल, 80 करोड़ की टैक्स चोरी, 250 करोड़ के फर्जी बिल। विपक्षी एकजुटता से पहले ममता बनर्जी का बड़ा बयान, ममता बनर्जी ने लेफ्ट की पार्टी से गठबंधन से किया इनकार, कांग्रेस से के लिए बनी बड़ी चुनौती। गोरखपुर के माफिया विनोद पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, अवैध कब्जे पर चलाया बुलडोजर। महाराष्ट्र में औरंगजेब मामले में छिड़ी सियासत, फडणवीस ने कहा अचानक पैदा हो रहा औरंगजेब का ये औलाद है, औरंगजेब की औलाद कहने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। हिंदू सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में आदि पुरुष के खिलाफ दाखिल की याचिका, दिखाए गए पात्रों का रामायण से मेल नहीं खाने का लगाया आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट से आदि पुरुष को सर्टिफिकेट नहीं देने की करी मांग। उल्लू ऐप की सुपरहिट वेब सीरीज तोहफा के सेकेंड पार्ट का ट्रेलर आउट, इरोटिक वेब सीरीज 20 जून को उल्लू ऐप पर होगी स्ट्रीम। करण देओल और दृशा आचार्य की प्री वेडिंग फंक्शन में सनी देओल ने अपने लुक से लूटी महफिल, संगीत सेरेमनी गदर 2 के तारा सिंह बनकर पहुंचे सनी देओल, गदर के गाने मैं निकला गड्डी लेकर पर किया जोरदार डांस। करण के संगीत में बॉबी देओल की पत्नी पर टिकी निगाहें, चाचा चाची ने लूट ली महफिल, करण देओल के दादा और महान एक्टर धर्मेंद्र ने दिल खोलकर किया डांस। रामानंद सागर के बेटे आदि पुरुष में रावण को कहा टपोरी, बोले रावण बहुत विद्वान था, पिता जैसे रामायण 85 साल तक कोई नहीं बना सकता। बॉलीवुड से अब साउथ सिनेमा में एंट्री, मारने जा रहे इमरान हाशमी, सुपरस्टार पवन कल्याण के साथ नजर आने वाले हैं फिल्म में, नेगेटिव रोल में नजर आएंगे इमरान हाशमी। मधुबन सेना ने बदली समाज के लिए, शादी के बाद अपने नाम के आगे लगाया पत्नी ईरा का सरनेम, मधु का 2019 में फैशन डिजाइनर मसावा गुप्ता से हुआ था तलाक। विकी कौशल की फिल्म मेरे महबूब मेरे सनम की रिलीज डेट टली, 25 अगस्त को रिलीज होने वाली थी फिल्म, पोस्ट प्रोडक्शन की प्रक्रिया की उम्मीद से अधिक समय लगने के कारण टली रिलीज डेट। फिनलैंड में प्रज्ञा जायसवाल ने -15 डिग्री ठंडे पानी में ली आइस बाथ थेरेपी, वीडियो शेयर कर बताया एक्सपीरियंस, वीडियो देखने के बाद रकुल प्रीत ने की तारीफ।